शालीन एक बार फिर से सुम्बुल को लेकर परेशान है। क्या सुम्बुल ने अभी भी उनकी बात नहीं मानी या शालीन जानबूझकर सुम्बुल के पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बातें फैला रहे हैं जो उसके दोस्तों के साथ उसका बॉन्ड तोड़ सकती है। तो सुम्बुल की मैं बात करूं तो अब कुछ ही लोग हैं जो सुम्बुल के करीब रह गए हैं, क्योंकि सुम्बुल अब उनके साथ ही बैठती है, चाहे शिव हो, अंकित हो। और अर्चना ने वीकेंड का बार में एक बात कही थी कि उसे अगर सेव करने का मौका मिला तो वो सुम्बुल को जरूर करेगी। तो अब शालीन जो है कल अंकित और अर्चना के पास बैठकर सुम्बुल के इंसिडेंट को लेकर फिर से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जब पहली बार हुआ था मैंने उसे साइड में बैठाकर ये बात कही थी, समझाई थी कि बेटा सुन, हमारा यहाँ पे तो क्या बाहर भी कुछ नहीं हो सकता। उसने मुझे बोला कि मेरे को आपके साथ कोई ऐसी फीलिंग ही नहीं है, जिस पर मैंने कहा कि मैं समझता हूँ, मैं तेरी बात पर विश्वास भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा कहीं पे भी कुछ नहीं हो सकता। अब हम ना साथ बैठेंगे ना हक करेंगे। तो शालीन कहते हैं कि इतनी बार और हर पॉइंट समझाने के बाद अगर ये चीज़ मुझ पर आ रही है तो मैं गलत कैसे हूँ। जिस पर अंकित और अर्चना सिर्फ चुपचाप बैठ के सुन रहे थे, लेकिन मैं इस बात को लेकर सरप्राइज थी कि आप फिर से उस इंसिडेंट को लेकर बातें क्यों कर रहे हैं, वो भी उन लोगों के सामने जो सुम्बुल के फिलहाल अब घर के अंदर दोस्त रह गए हैं। तो क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी है कि अर्चना ने अगर बोला मैं सेव करूंगा और उसने नाम जो है शालीन का नहीं लिया, और उसी समय शालीन ने पूछा भी था मैं नहीं, तो उसने बोला नहीं मेरे दिल में सुम्बुल का नाम आया, मैंने सुम्बुल बोल दिया, तो क्या ये उसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है? और अंकित भी जो है सुम्बुल को पसंद करते हैं, कल लाइव फीड में वो बोल भी रहे थे कि मैं साजिद और कैप्टन रूम में यानी शिव और साजिद के साथ तभी बैठता हूँ जब सुम्बुल उस रूम में बैठी हो, मुझे अकेले उधर जाना पसंद नहीं, सुम्बुल है और स्टैन है तो मैं चला जाता हूँ, और अगर वो दोनों नहीं होते तो मैं उस रूम में जाता भी नहीं, और अगर वो दोनों मेरे जाने के बाद भी किसी काम के लिए बाहर जाए तो मैं मौका देखकर जो है उस रूम से निकल जाता हूँ। तो क्या शालीन जो बात कर रहे हैं क्या वो वाकई में फिर से घर के अंदर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो दिख ही नहीं रहा कि अब सुम्बुल उनके साथ बैठती हो, बातें करती हो, या फिर जानबूझकर शालीन सुम्बुल के पीठ पीछे उनके दोस्तों से ये बात कर रहे हैं ताकि उनका कनेक्शन सुम्बुल से कट जाए? तो आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा।